सारी चीजों की समीक्षा करके हम इसको निश्चित तौर से कंट्रोल करेंगे। तो ये आपने अजय राय को सुना, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वाराणसी से, जो कि इस वक्त आगे चल रहे रुझानों में। कांची, आपका रुख करते हुए न्यूज रूम में जरा माहौल जानिए, क्योंकि इस वक्त वाराणसी जो कि बेहद हॉट सीट, जहां से बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में, और इसके बाद कांग्रेस की तरफ से अजय राय, जो कि इस वक्त रुझानों में आगे हैं, एक बड़ा उलटफेर। बिल्कुल दीप सिंह, वाराणसी चूंकि हॉटेस्ट सीट कहा जाए उत्तर प्रदेश की, और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है, तो ऐसे में अब वाराणसी की अगर बात करें तो ये शुरुआती आंकड़े ही हैं जहां पर अजय राय को बढ़त मिलती नजर आ रही है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से, उनकी संसदीय सीट है जहाँ पर वो काफी अच्छी पकड़ भी रखते हैं, जिस तरह से तस्वीरें भी देखने को मिली थी जब प्रधानमंत्री मोदी की ओर से रोड शो किया गया था और लोग अपने घरों से प्रधानमंत्री की आरती निकाल रहे थे, तो इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। और इसमें कोई नहीं है कि ये सिर्फ शुरुआती आंकड़े हैं, तो सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ, अजय राय वाराणसी से आगे चल रहे हैं। देखिए, अभी ये कहा नहीं जा सकता है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, ये अभी आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी ये रुझान आ रहे हैं, नतीजे जो आएंगे तो उसमें साफ तौर पर ये निश्चित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आगे होंगे। ये ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि 2014 की अगर आप देखें तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से जीते, 2019 में जीते, 2024 की अगर बात कर लें तो भी लड़ाई बहुत कांटे की। इस बार ये नहीं कहा जा सकता कि जितना आसान दिख रहा था इस बार लड़ाई उतना आसान नहीं है कांची, क्योंकि अभी आप एक खबर अभी हम पढ़ रहे थे कि अमेठी से स्मृति ईरानी भी पीछे चल रही, तो ये कोई चौंकाने वाली बात, ये चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस तरीके की रुझान जो है। चलिए आपका रुख करूंगी कांची मैं, और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो जरा दर्शकों को बता दें, रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त की आ रही है, यूपी की 80 सीटों का जो रुझान है वो बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में एनडीए 46 सीटों पर आगे चल रही है, इंडिया 33 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं जो कि अनुमानित था, और यूपी में एनडीए 46 सीटों पर बढ़त बनाया हुआ है और इंडिया गठबंधन 33 सीटों पर, तो अमेठी से स्मृति ईरानी 395 सीटों से पीछे चल रही हैं, ये एक बड़ा अपडेट है। तो 395 वोटों से पीछे चल रही है स्मृति ईरानी, रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, ये एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो अमेठी से स्मृति ईरानी 395 वोट से पीछे चल रही हैं, ये एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 80 सीटों का जो रुझान सामने आया है वो अपडेट हम लगातार दे रहे हैं। कांची का रुख करते हुए एक बार, हमारी सहयोगी लगातार न्यूज रूम से बनी हुई हैं। कांची देखिए, जो तमाम हॉट सीटें हैं, रायबरेली हो, अमेठी हो, वाराणसी हो, इस वक्त कांग्रेस की जो बढ़त नजर आ रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए ये गदगद करने वाली बात है। दीप सिंह, जिस तरह से हमारे सहयोगी सौरभ भी बात कर रहे थे, जो अपडेट सामने आया है कि अमेठी सीट से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं, ये सिर्फ शुरुआती रुझान है, हालांकि आंकड़े जो है वो शाम तक ही साफ हो पाएंगे कि आखिर किसकी सरकार बनी है। चलिए सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ, स्मृति ईरानी जिस तरह से आप बता रहे थे अमेठी सीट से पीछे चल रही है। बिल्कुल, देखिए अमेठी से स्मृति ईरानी अभी पीछे चल रही, ये रुझान आ रहे हैं अभी, जैसे जैसे वक्त होगा 12:30 बजे तक ये लगभग क्लियर हो जाएगा, तो अभी हमको इतना बहुत ज़्यादा बहुत घबराने की बात नहीं है, ये आगे अभी क्या है कि वो अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, तो इसमें अभी क्या रुझान आएंगे, नतीजे जब आएंगे उसका हमको इंतजार करना पड़ेगा। जैसे जैसे ईवीएम के काउंटिंग होनी शुरू हो जाएगी, अभी तो बैलेट पेपर्स चल रहे हैं, बैलेट पेपर्स के बाद जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी तब स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार स्मृति ईरानी क्या वास्तव में ऐसा होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा खेला होने वाला है। आपको याद होगा 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के साथ खेला कर दिया था, राहुल गांधी के साथ ऐसा खेला किया कि राहुल गांधी को कहां जाना पड़ गया। ठीक है कांची, आपका रुख करूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दे लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं रिजल्ट ब्रेकिंग को लेकर। इस वक्त की जो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, पीलीभीत से जितिन प्रसाद पीछे हो गए हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी से जितिन प्रसाद पीछे, फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर आगे चल रहे हैं, उन्नाव से साक्षी महाराज आगे चल रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मेरठ से सपा प्रत्याशी सुनीता वर्मा आगे हैं, वहीं अलीगढ़ से बीजेपी के सतीश गौतम आगे चल रहे हैं, और पीलीभीत से जितिन प्रसाद पीछे हुए हैं। तो लगातार ये जो रेस है वो आगे पीछे होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी ये रुझान है और रुझानों में अप एंड डाउन लगातार लगे हुए हैं। और उन्नाव से साक्षी महाराज इस वक्त आगे हैं, मेरठ से सपा प्रत्याशी सुनीता वर्मा आगे चल रही हैं, तो ये तमाम बड़े अपडेट जो है सामने आ रहे हैं।
आपको बता दें कि अमेठी सीट से इस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। एक बार फिर से न्यूज रूम का रुख करते हुए कांची, जिस तरह से आप लगातार बता रही हैं कि और सौरभ भी बता रहे हैं कि ये रुझान है, अभी हमें फैसलों का इंतजार करना होगा, ऐसे में वहां पर लगातार हमारे चैनल हेड जो हैं अरविंद चतुर्वेदी जी भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करी, चूंकि उन्होंने जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर जाकर का गुरु का हालबा में तमाम लोगों के ओपिनियन लिए थे, तमाम नेताओं से बातचीत की थी, एक माहौल जो था वो जानने की कोशिश की थी, ऐसे में ये जानने की समझने की कोशिश करिए। हॉट सीट वाराणसी, अमेठी, रायबरेली, इस वक्त सभी सीटों पर मेरठ सपा प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी आगे बढ़त बनाए हुए हैं। ठीक है, हमारे साथ चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी बने हुए हैं। अरविंद जी, लगातार जो हॉट सीट है उत्तर प्रदेश की, उस पर कांग्रेस आगे चल रही है, किस तरह से राजनीतिक समीकरण? ये कांची, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो स्थिति अभी उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़े उससे ये लगता है कि अभी लड़ाई बहुत, मतलब जिसको कहते हैं घमासान हो रहा है, और जो बड़े बड़े जो इनके प्रत्याशी थे वो पीछे नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी ये शुरुआती रुझान है, अभी हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि जो रुझान होता है बाद में वही आंकड़ों में तब्दील हो जाता है, इसका मतलब इंडिया गठबंधन जो है पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है। और मुझे जो लगता है, चूंकि मैं ग्राउंड पे था और मेरी एनालिसिस ये कहती है कि जो प्रत्याशियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी